राधे राधे यूट्यूब फैमिली, आज आ रही है मेरे किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू। तो मैं भाग के आई किचन, भाई कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर उसके बाद मैं आई तो मैंने देखा मेरी बहन यहाँ पर पापड़ और चिप्स को फ्राई कर रही है और मेरा भाई फ्रिज में से दूध निकाल के और उसको फ्राई पैन में डाल के चाय बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए इसने इतना सारा पापड़ को फ्राई करके रख भी लिया है। दो मिनट लगता है फ्राई करने में। रिफाइंड ऑयल डालो कढ़ाई में, अच्छा सा खूब मस्त गरम कर लो और उसके बाद अपने पापड़ को डाल के और एक से दो मिनट तक, एक सेकंड दो मिनट भी ज़्यादा हो जाता है, दो तीन सेकंड इसको रखो कढ़ाई में, अच्छे से लटपट करो, बस निकाल दो। ये अच्छा सा फ्राई होके निकल रहा है, ये देखिए क्या मस्त फटाफट तल के निकाल रही है, ये बन रहा है ना मस्त सा। देखिए फिर इसने डाला, फिर पलटा, फिर निकाल देगी, फिर डाल देगी, पता नहीं आज कितना सारा तलेगी। आज तो इसका बहुत मन खुश है इसलिए बहुत सारा तल के रख देगी ये। हम एक बार फ्राई कर लेते हैं ना तो एक से दो बार खा लेते हैं इसको। ये देखिए ये वाले गोल गोल वाले पापड़ हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले पापड़। ये देखिए एक मैं डालती हूँ कढ़ाई में, ये क्या डिप, ये देखो इसने उल्टा पलटा बन गया पापड़, तैयार फ्राई पापड़। देखिए बस तैयार हो जाएगा, अब इसको चिमटे से पकड़ के निकाल देगी ये। ये देखिए निकाल देना मेरी बहन ने, भाई साहब क्या मस्त फ्राई करती है, बहुत अच्छा फ्राई करती है ये, मेरे से भी अच्छा। अभी भी देखो और भी तलेगी ये, बस रहने थे अब कितना तलेगी। मैं इसको कह रही थी तो कह रही है नहीं मैं बहुत सारा तलूँगी और बहुत सारा इसको कह रही, मेरे को छोटी सी भूख लगी, मेरा भाई भी कह रहा मुझे भूख लगी और इसलिए हम बहुत सारा तल के आराम से नाश्ता करेंगे। ये देखिए मेरे भाई ने दूध चढ़ा दिया है और यहाँ पर दूध बॉईल होगा, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक से दो चम्मच चाय पत्ती डाल दिया गया है। ये देखिए चाय पत्ती डाल दी है और चाय पत्ती में ना वो डाल के डाल इलायची होती है, इलायची को कूट के पाउडर बना के वो दोनों मिक्स करके रख दिया गया है ताकि बार बार इलायची को कूटना ना पड़े, इसलिए इसको मिक्स करके इसी में रख दिया था चाय पत्ती में। आपको तो पता है अदरक का रेट कितना ज़्यादा हो रहा है इसलिए इलायची वाली ही चाय पी रही है आजकल तो हम। और इसके बाद मैंने यहाँ पर, मैंने नहीं, मेरी बहन ने चीनी डाल दिया। अब देखिए चाय को ये बहुत पकाती है और पता है आपको पूरे घर में ये सबसे टेस्टी और बहुत ही अच्छी चाय बनाती है। ये चाय को बहुत पता नहीं कैसे बनाती है, अच्छा ही लगता है इसके हाथ से चाय कभी भी बनाइए, चाहे थोड़ा दूध डाले चाहे ज़्यादा दूध डाले, हमेशा ही मस्त लगता है इसके हाथ की चाय। तो सब तारीफ करते हैं कि ये चाय बहुत अच्छी बनाती है। देखिए अब इसको ना ये दो से तीन मिनट तक बहुत अच्छे से ऐसे उठा उठा के घुमा घुमा के पकाती रहती है चाय, खूब पकाती है ये, शायद इस वजह से हाथ की चाय अच्छी लगती है। और देखो पकाएगी घुमाएगी फिर रखेगी फिर उठाएगी फिर पकाएगी फिर उठाएगी फिर पकाएगी, ऐसे पका पका के अच्छी सी चाय बनाती है। देखिए शाम का स्नैक्स तैयार है चाय के साथ, देखिए चाय विद स्नैक्स रेडी। चलो अब हम इसको खाते हैं, आप भी खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, खाओ पियो मजे करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।